गिरिवरधारी लॉर्ड श्री कृष्णास नेम इज गिरीवरधारी मींस ही इज द होल्डर ऑफ गोवर्धन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन कृष्णास अनदर नेम इज ही इज यशोदा नंदन मींस ही डार्लिंग सन डार्लिंग चाइल्ड ऑफ मदर यशोदा या ब्रज जन रंजन एंड ही इज एन्चानटर ऑफ द पीपल ऑफ वृंदावन और ब्रज या सो ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी सो यमुना इज अ रिवर दिस यमुना रिवर इज स्पिरिचुअल रिवर डिसेंडिंग फ्रॉम गोलोक वृंदावन एंड

तो कलयुग में एक समय आने वाला है पांच हजार साल के बाद मेरे नाम कीर्तन करने वाले भक्त आने वाले हैं ब्रह्मवर्त पुराने भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मेरे नाम उपासक आने वाले हैं पाँच हजार साल में पूरे के पूरे संसार में घूमते फिरेंगे मेरे नाम का उच्चारण करेंगे और चिंता मत करो हे गंगे हे यमुने वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है पाँच साल बस पाँच साल बस पाँच साल और वो आएंगे आपके जल में स्नान करेंगे और आपके सारे पापों का वो नाश करेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेन्स ऑल ऑफ यू आर द प्रोडिक्शन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा यमुना तीरा बनचारी एंड लॉर्ड श्री कृष्णा इज द पर्सन हु आई मीन द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड फॉरेस्ट अलोंग साइड ऑफ यमुना सो यमुना के अलोंग साइड आर फॉरेस्ट राइट एंड लॉर्ड श्री कृष्णा वांडर अराउंड सो बहुत सारे लोग जंगल में घूमते हैं बट व्हाट टाइप ऑफ वांडरिंग इज दिस सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वाट इज द क्वालिटी ऑफ वांडरिंग बाय सुप्रीम गॉड एड श्री कृष्णा यमुना तीरा बन चारी यमुना तीरा बन चारी जय राधमा कुंज बिहारी जय राधमा कुञ्जविहारी गोपीजनवल्लाभागिरिवरधारी यशदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातिरावनारि यमुना तिरावनारि हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा थैंक यू सो मच सो लेट्स प्रोसीड अहेड फॉर मंगलाचरण ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरूनमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहमं श्रीगुर श्रीयुता पदकमल श्रीगुरौन वैष्णवां श्रीरूप साग्र जाता सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजनसहिताचतन्यदेव सहगणा ललिता श्री विशाखाता ओम विष्णुपदा कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामीतिमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चातरिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यवान समझता हूँ कि आचार्यों की कृपा से प्रपाद जी की कृपा से मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि गिरिराज आज गोवर्धन का जो गोवर्धन पूजा का जो ये फेस्टिवल है उसके ऊपर कुछ बोलने का मुझे, मुझे मौका मिला तो सभी भक्तों से बहुत ही मैं कृतज्ञता जाहिर करना चाहता हूँ कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू हेल्प मी टू हैव दिस वंडरफुल सेलिब्रेशन सेशन सो सेलिब्रेशन uh this uh, spiritual celebrations means hearing about the pastimes and glories of the supreme personality of godhead that makes the celebration that's called festival right so uh, that 's the real festival right it's not just a festival means but this hearing is very very important because unless we know that why we are doing. है। नहीं तो क्या होगा कि कोई उधर से बोलेगा तो, तो पटाखे हाँ मुझे पता नहीं <laughs> तो कई बार होता है आजकल देख रहे हैं कि इस बार में पिछले साल से पटाखे कम फूटेट कुछ लेकिन पता नहीं कि पटाखे फोड़े तो फोड़े किसके लिए बस right? तो पटाखे फोड़ते आ रहे हैं हमारे पिताजी ने फोड़ा हमारे दादाजी ने फोड़ा हम भी फोड़ेंगे हमारे भैया ने फोड़ा तो हमारा भी फोड़ने का अधिकार है तो पटाखे फोड़ें क्यों वो ज्यादा जरूरी है पटाखे फोड़ें क्यों इससे ज्यादा जरूरी है समझना है कि दिवाली और एक गोवर्धन पूजा सारे फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं वट इज द स्परिचुअल एस्पेक्ट और स्प्रिचुअल सोर्स ऑफ दिज ऑल फेस्टिवल्स तो सनातन धर्म में जो कुछ जो कुछ भी फेस्टिवल होता है जो भी कुछ फेस्टिवल होता है सबका स्पिरिचुअल कनेक्शन है सबका कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिना स्पिरिचुअल कनेक्शन के कोई फेस्टिवल नहीं है दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म एवरीथिंग इज द फेस्टिवल्स उत्सव मतलब ही होता है कि मतलब होता है लाश, डेड पर्सन आई मीन द डेड बॉडी जब डेड बॉडी उठ जाता है तो उसको कहते हैं उत्सव तो डेड बॉडी कब उठता है जहाँ फेस्टिवल होता है तो डेड बॉडी को उठने का डेड बॉडी के उठने का जो फेस्टिवल है उसको कहते हैं उत्सव और महाउत्सव, उत्सव तो महा बहुत सारे डेड बॉडी लोग उठ जाते हैं बहुत सारे लोग लाखों लाखों की संख्या में डेड बॉडी उठ जाते हैं तो डेड बॉडी का मतलब यह है कि नॉट बींग गॉड कॉन्सियसनेस इज द डेड डेड कॉन्सियसनेस इसलिए प्रभुपा जी ने बोला है कि कृष्ण कॉन्सियसनेस कृष्ण चेतना श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब क्या एक ऐसा पर्सनालिटी जिसके प्रेजेंस में आने से लोगों में चेतना आ जाती है चेतना चेतना चैतन्य 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 श्री कृष्ण द द रियल कॉन्सियसनेस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस तो अगर लोगों के पास वो नहीं है दे आर सिंपली देट कोई फेस्टिवल लीजिए कोई फेस्टिवल लीजिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ लॉर्ड श्री कृष्ण होली या फिर दीपावली या फिर विजय वत्सु, विजय कनेक्टेड लॉर्ड श्री रामचंद्र सो अल्टीमेटली ऑल द उत्सव वाज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस ऑल थिंग्स वेयर टू कनेक्ट विद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड फॉर दैट इट वाज मेड और स्लोली 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 क्या हुआ कि लोगों और हमारे कल्चर में जो एजुकेशन का जो सिस्टम था कि बड़े हमें छोटों को बताएंगे कि वाई टू डू वट वी डू वट वाई वी डू राइट तो बताने का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और फिर मास लेवल पे मास लेवल पे लोगों को पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं सारे फेस्टिवल्स और बस कर रहे हैं मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं राइट ऑन पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर नाइट वी डू दैट दैट्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द कॉज ऑफ मेकिंग अवेयरनेस ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस टेकिंग दिस प्रोटेक्स्ट ऑफ फेस्टिवल्स सो दर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंटादेड टू इम्फेसिस अपॉन दिस फेस्टिवल्स उत्सव नैत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा नखा महो, महोत्सव तो यहां तक कि श्रमदभागत में बता, बत, बताया, बताया गया कि उस जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां पे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त ना रहते हैं उस जगह पे हमें नहीं जाना चाहिए जहां पे भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्सव नहीं होता है तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी उत्सव मनाएं

Arisha you have raised your hand. I don't know what was the purpose of that. Okay, so anyway, thank you so much. Okay, so I am alive. I am alive. I am alive and live also on Zoom. <laughs> okay. Okay, thank you. So let's proceed ahead. Okay, so Govardhan Parikrama. This is also a festival of, uh, this is Govardhan Puja. This is also a great festival, Maha तो महोत्सव कैसा महोत्सव है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ पे हैं मटीरियल वर्ल्ड में है मटीरियल वर्ल्ड में है मटीरियल वर्ल्ड एवरीथिंग इज डार्क और आज गोवर्धन पूजा है अमावस्या की रात और भी ज्यादा डार्क तो कोर्स दिवाली मना रहे हैं हम लोग डार्कनेस को हटाने की चेष्टा कर रहे हैं एवरीथिंग इज डार्क बट दिस गोवर्धन इज द प्लेस द इटर्नल प्लेस इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड गोवर्धन इज नॉट समथिंग गोवर्धन सब लोगों को पता है ना गोवर्धन इज ए हिल गोवर्धन गिरिराज गोवर्धन बोला जाता है गिरी गोवर्धन गोवर्धन इज ए हिल इन ब्रज और इन यूपी देर इज ए प्लेस कॉल मथुरा इन प्लेस एन वृंदावन नियर वृंदावन देर इज प्लेस कॉल फ्रॉम वृंदावन ट्वेंटी थ्री किलोमीटर्स गोवर्धन देर इज ए हिल So, बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये गोवर्धन पूजा का पत्थरों की पूजा है हिल की पूजा है क्या है ये सब समझ में नहीं आ रहा है भाई व्हाट इज दिस तो कई बार लोग सुनते क्या क्या चल रहा है फिर से पत्थर की पूजा कर रहे हैं सब अंधविश्वास देखो सब अंधविश्वास वाले लोग इस कौन में भी घुस गए हैं तो हमें समझना हमें जानना बहुत जरूरी है कि गोवर्धन है क्या गोवर्धन कौन है तो सभी शास्त्रों से निकाल के शास्त्रो से निकाल के स्लरूप केमी गोवर्धन के बारे में बताते हैं वॉट इज गोवर्धन एक्चुअली राइट सो इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इज बुक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इसकी रचना शिला गोस्वामी जी ने की पांच सौ साल पहले तो so उसमें बताया गया है कि इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड राइट सो देर इज देर इज अ सेक्शन ऑफ होल क्रिएशन और एग्जिस्टेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनलिटी गॉर्डेड इन विच

इसके नीचे है यह है मेटीरियल वर्ल्ड पूरा डार्क है एक यूनिवर्स है ऐसे मल्टी मल्टी यूनिवर्सेस हैं, और इस तरीके से हम लोग उसी के बीच में कहीं पे हैं तो हमारी औकात देखिए कितनी कहाँ एक यूनिवर्स में हमारी औकात कुछ भी नहीं है, कि हमारे प्लैनेट की भी कोई नहीं है। तो यह पैक्ड पैक्टली पैक्ड जितना इसका है उतना बड़ा तो सबसे नीचे वाला उसका शेल है। उसके बाद उसका दस गुना दस गुना करके पूरे आठ एलिमेंट्स का सेल है तो बहुत निकालना है बहुत मुश्किल है इससे फिर निकलने का रास्ता प्रोपा जी देखें और देख रहे हैं ना अब देख रहे हैं देख रहे हो देख रहा हो आप लोग को हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे से लिखा हुआ है यहाँ पे छोटा छोटा आप देख पा रहे होंगे अगर हरे कृष्ण को कोई व्यक्ति जप करता है भूलोका में या फिर किसी भी लोक में तो इस यूनिवर्स से निकल के वो कहा जाता है वो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है सो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड येलो के ऊपर में जो है दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिस एरिया दिस 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 एरिया 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 स्पिरिचुअल तो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग ग्रेडेशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के और मेटीरियल वर्ल्ड के बीच में स्पिरिचुअल और मेटीरियल वर्ल्ड के बीच में क्या है दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड का और गोलोक वृंदावन का क्या है दिस इज लाइट द लाइट कमिंग बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि लाइट है ब्राह्मण है और कुछ नहीं है तो लाइट बीच में ही आता है मटेरियल वर्ल्ड के बाहर में उसके बाद आता है कैलाश धाम उसके बाद आता है वैकुंठ धाम वैकुंठ धाम के ऊपर में आता है गोलोक धाम या फिर वृंदावन धाम तो वृंदावन धाम में भी ऊपर इस तरीके से क्या क्या है ग्रेडेशंस हैं तो गोलोक में सबसे नीचे आता है क्या नीचे आता है यहाँ पे अयोध्या उसके बाद आता है द्वारका उसके बाद आता है मथुरा हाँ? उसके बाद ऊपर में सबसे टॉप में आता है वृंदावन तो इस तरीके से श्रीमद शास्त्रों में इसके वर्णन किए गए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि सबसे टॉप का जो प्लेनेट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दैट इज कॉल्ड गोलक गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्या देवी महेश हरिधाम श्रुते श्रुते शु प्रभाव निशया विहित गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी तो बोला गया है कि गोलोक नामनी निज धामनी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि गोलोक का जो धाम है भगवान श्री कृष्ण का निज धाम है और उसके नीचे तले तले चत उसके नीचे क्या है देवी महेश और हरिधाम देवी धाम सबसे नीचे तो हम लोग अभी जिस धाम में रहते हैं उसको कहा जाता है देवी धाम यहाँ पे माता देवी मतलब माता दुर्गा का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है और माता दुर्गा इज डायरेक्टली एक्टिव बहुत ज्यादा एक्टिव है इतनी ज्यादा एक्टिव माता दुर्गा है यहाँ पे कि इस जगह का नाम भगवान श्री कृष्ण रखते हैं दिस इज कॉल्ड दुखालय अशाश्वतम और माता दुर्गा का नाम है दुर्गा मतलब क्या उनसे पार पाना बहुत मुश्किल है जब तक भगवान श्री कृष्ण समर्पित सम, को सरेंडर ना करें माता दुर्गा से निकल पाना बहुत मुश्किल है तो यह है दुर्गा या फिर देवी धाम दिस मिटीरियल वर्ल्ड इज कॉल देवी धाम और इससे ऊपर है कैलाश मिटीरियल वर्ल्ड के बाहर और उसके ऊपर है वैकुंठ जिसको हरिधाम बोला जाता है और हरिधाम के ऊपर है क्या गोलोक धाम निज धामनीत तो ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं लेकिन उस गोलोक वृंदावन में भी ग्रेडेशंस हैं गोलोक में चालू होता अयोध्या से अयोध्या के बाद आता है द्वारका द्वारका के बाद आता है मथुरा मथुरा के बाद आता है वृंदावन और वृंदावन में भी अलग-अलग ग्रेडेशंस हैं तो स्लरुप गोस्वामी बोलते हैं वैकुंठ जनितो वरा मदपुरी तत्रापि रासोत्स्वाह वृंदावन उदार रमणा तत्रापि गोवर्धन तो बोला गया है वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी वैकुंठ से ऊपर है वैकुंठ से श्रे श्रेष्ठ है क्या है वो है मथुरा या फिर मधुपुरी जिसको कहा जाता है तो यहाँ पे जो मथुरा है मतलब क्या वहां का रिप्रेजेंटेशन है जब भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो बस टपक नहीं जाते कहीं पे भी है ना वेवल लॉर्ड कम्स ऑल सेटअप ऑल्सो कम्स विथ हिम जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर सपोज आज केदारनाथ में गया तो केदारनाथ में जाने से पहले उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वहां पे काफी कुछ दिन पहले सेटअप कर दिया जाता है सब कुछ वहां पे ऐसा बना दिया जाता है कि वहां पर जाए वो आराम से रह सके तो एक छोटा सा प्लान है पूरे के पूरी यूनिवर्स का जो कि भगवान की शक्ति का एक अंश का भी अंश का ही पता नहीं कितना टाइम्स डिवाइड करने के बाद आएगा उतना अंश है तो उस यूनिवर्स के एक प्लानिट का एक छोटे से देश का प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर इतना बड़ा सेटअप किया जा सकता है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं तो उनके लिए क्या होगा तो जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं अभी कोई भी अवतार आते हैं तो पहले सेटअप बनाया जाता है सभी देवताओं लोग आते हैं ऊपर से डिसेंड करते हैं मनुष्य योनि में और सेटअप तैयार करते हैं जैसे नवदीप हुआ या फिर मायापुर हुआ सॉरी या, या फिर uh, मथुरा हुआ वृंदावन हुआ तो पहले सेटअप तैयार होता है उसके बाद एग्जैक्टली exactly वैसा ही सेटअप जैसा कि वहां पे है राइट सो एवरीथिंग इज ब्रॉड फ्रॉम देयर लाइक गोवर्धन इज ऑल्सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड हैज इन ब्रॉड यमुना इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन गोलक वृंदावन हैज इन ब्रॉड हेयर सो लाइक दिस देर ऑल आर स्पिरिचुअल beings they are not any river or they are not any other mountain like uh, any other mountain we see in fact even most of the mountains in india is spiritual only They're either some some of them are in kailash or some of some of them are in 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 uh, maybe in Vaikunta also like Mindyachal, as well as um Giriraj

वृंदावन से भी ऊंचा है उसको क्या कहा गया है वो है गोवर्धन वृंदावन में भी ऊंचा मतलब आई मीन से इन स्पिरिचुअल सेंस इट्स मोर ग्लोरिफाइड मोर डिग्निफाइड देन वृंदावन दैट्स कॉल गोवर्धन सो दिस ऑल प्लेसेस लाइक धाम जो धाम होता है ना धाम जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमेशा निवास करते हैं दू, दूर से देखने से लगता है कि अरे हमारे ही देश का एक छोटा सा भाग है लेकिन इसकी इतनी तवज्जो क्यों hmm. क्योंकि दे आर द प्लेसेस वेयर लॉर्ड श्री कृष्णा हैड डिसेंडेड देमसेल्फ एंड दे आर नथिंग बट रेप्लिका ऑफ रेप्लिका ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड रेप्लिका ऑफ दैट प्लेस लाइक अयोध्या अयोध्या मतलब क्या अयोध्या यहाँ पे अयोध्या बस कोई टेरिटरी नहीं है राइट right? This is the direct replica of the Ayodhya coming from the spiritual world. In the spiritual world, also there is Ayodhya. Lord Ramchandra, Lord Ramchandra is eternally staying in the spiritual world. Lord Ramchandra is eternally staying in the spiritual world in his own form. The same Lord Ramchandra comes down, then he comes in Ayodhya. And Ayodhya is already there. It's not like Ayodhya, Bhagavan is Ramchandra, ke ke baad Ayodhya Bana. Ay Ayodhya is already there. Similarly, Goloka and Vaikuntha are always there.

मायापुर भी है वृंदावन भी है द्वारका भी है मथुरा भी है सब कुछ है वहां पे सिमिलरली सो दिस ऑल द द प्लेसेस प्लेसेस स्पिरिचुअल नो वेरी वेरी इंटरलिंक्ड वेरी वेरी स्पिरिचुअल सेंस सो दैट्स व्हाट वी सी गोवर्धन अब गोवर्धन की पूजा कैसे चालू हुई गोवर्धन का उत्पत्ति कैसे चालू हुआ कितने लोग जानना चाहते हैं हाउ द गोवर्धन एक्चुअली मैनिफेस्टेड इन मथुरा द्रोणाचल पर्वत द्रोणाचल पर्वत, पर्वत तो पहले बड़े बड़े ऋषि हुआ करते थे बहुत ही पावरफुल पावरफुल ऋषि हुआ करते थे और वो अपनी तपस्याए कहाँ कहाँ पे क्या करते थे कंदराव में क्या करते थे या फिर पहाड़ियों में किया करते थे पहाड़ियों के गुफाओं में क्या करते थे तो एक बार क्या हुआ पुलस्त ऋषि को मन किया कि यार मुझे साउथ इंडिया में एक जगह है वहां पे उन्हें एक वहां पे एक अच्छा सेटअप का है ना एक हिल चाहिए जहां पे वो जाके अच्छे से तपस्या कर सके शांति से है तो गए द्रोणाचल के पास द्रोणाचल पर्वत के पास गए बोले कि देखो भैया आपके पास तो बहुत सारे छोटे छोटे पर्वत हैं आपके बेटे भी हैं तो आप एक एक पर्वत मुझे दे दो ना मैं जाऊंगा आराम से वहां पे तपस्या करूंगा तो उसी की कंदराओं में तपस्या करूंगा ठीक है ले जाओ मेरा छोटा बेटा है गोवर्धन <laughs> उसको ले जाओ तो, तो कैसे ले जाऊँगा तो गोवर्धन के पास ऐसी शक्ति पहले से थी कि वो चाहे तो अपना भार छोटा भार को कम भी कर सकता था और तो बोला कि ठीक है चलो तो ले चलते हैं पुलिस ऋषि ने क्या किया उन्हें उठाया और लेके चले गोवर्धन लेकिन अगर आप कहीं मुझे तो ठीक है? है चलो तो पुलिस ऋषि उनको लेके आ रहे होते हैं जब जैसे ही गुजरते हैं सत्यु की कहानी है जैसे वो मथुरा से गुजरते हैं तो गोवर्धन को मन में आता है यार मैं तो सोचा कि यहाँ पे रह जाता अच्छा होता क्योंकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आने वाले हैं और अगर यहां पे रह जाऊंगा तो उनका दर्शन भी हो जाएगा उनकी लीलाओं में भाग भी ले पाऊंगा तो क्या क्या गोवर्धन जी ने अपना भार बढ़ाना चालू किया सो देखिए मैंने पहले आपको इसलिए बताया था कि गोवर्धन इज नॉट एन ऑर्डिनरी हिल इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ स्टोन्स राइट दिस इज स्प्रिचुअल पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल पर्सनलिटी नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं पर्वत के रूप में राइट right? सो so, गोवर्धन जब मथुरा से गुजर रहे थे तो बहुत भारी हो गए भारी बहुत हो गए तो क्या हुआ कि रहा नहीं गया उनको ऋषि को तो क्या क्या उन्होंने नीचे रख दिया फिर नीचे रख दिया बोला कि ठीक है गोवर्धन ने बोला कि मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट लेना चाहता तो उसके बाद बोला कि ठीक है हमारा पहले तो डील हुआ था कि मैं निकलूंगा नहीं एक बार रख दिए तो आपको भारी लगा पता नहीं जो भी कुछ है मैं नहीं जाऊंगा यहां से तो लक्षण जी को बहुत गुस्सा आया क्या तुम्हारी ऐसे गुस्सा कि बहुत बड़ा था गोवर्धन बोला जाता है अठारह किलोमीटर उसकी चोटी थी उनकी ऊंचाई थी मैं श्राप देता हूं कि अब से प्रत्येक दिन आपका साइज जो है ना आपका हाइट एक सीसम का जो सीड है ना उसके बराबर कमेगा नीचे हो जाएगा नीचे हो जाएगा तो तब तब से श्राप मिला उसके बाद फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हीं की घाटियों में वादियों में भगवान श्री कृष्ण अपने पास टाइम्स कहते हैं अपने गइयो को चराते हैं राइट सो एंड ऑफकोर्स He makes all the Brajwasis to worship Govardhan Hill. So that's the day today. Ad Govardhan Hill ki. Worship hui Chaluhiti. Right? So Lord Sri Krishna comes. When he comes, then he wants absolute dharma to be established. Of course, any of the incarnation comes, he wants the absolute dharma to be established. स्पेसिफिकली भगवान आते हैं तीन कारणों के कारण है ना क्या क्या है यदा यदा ही धर्म से ग्लानी अनुभवती भारत अपनी उत्थानम अधर्म से परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थाय परित्राणाय साधु साधुओं का परित्राण करने के लिए और विनाशाय दुष्कृता दुष्कृति लोगों को दंड देने के लिए विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए तो सभी जितने भी अवतार हुए हैं सब सभी अवतारों में भगवान ने इन तीनों चीजों को किया है राइट लेकिन श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने इन तीनों चीजों को बहुत ही एक्सप्लीसिटली किया है अलग अलग से किया है जैसे नरसिंह अवतार में गोवर्धन मत आई I मीन mean, पूरा का पूरा जो पिलर उससे निकले तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी किया हिरण्य का प्रहलाद महाराज की रक्षा भी हो गई

बहुत ही इधर-उधर के जो छिटपुट या फिर उपधर्म घुस चुके थे उन्होंने एक-एक करके उसको हटाया तो पहले वापर युग के समय बहुत ही ज्यादा जड़ता घुस चुकी थी किस स्पेसिफिकली होल प्लेनेट रदर होल प्लेनेट वाज हैविंग ओनली वन धर्म देन व्हेन लॉर्ड श्री कृष्णा वाज देयर ऑफ कोर्स स्टिल समवेयर 2000 इयर्स बिफोर आल्सो देयर वाज ओनली वन सनातन धर्म एवरीवेयर लेकिन उस समय जो भगवान श्री कृष्ण आने से पहले तक जड़ता बहुत ही ज्यादा घुस चुकी थी इस देवी देवता का पूजा उनके देवता को उसके लिए पूजा उसके लिए पूजा बहुत सारी पूजा ये धर्म पति धर्म पुत्र धर्म क्षत्रिय धर्म तो ये धर्म सब धर्म एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सब कॉमन बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी तो उसके उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और परो धर्म की स्थापना करते हैं परो धर्म सवई पुनसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्ष जय

एक देवता इंद्र की पूजा कर रहे होते हैं प्रत्येक साल करते थे प्रत्येक साल प्रत्येक साल उस समय इंद्र की पूजा होती है इंद्र की जी की पूजा हो रही है बहुत ढोल लंगारे बजा के सब लोग बहुत बड़े बड़े ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और साथ साथ बहुत बड़ी प्रिपरेशन हो चुकी है खान पकान बना है यज्ञ होने वाला इंद्र यज्ञ तो छोटे से कृष्ण होते हैं लीलाओं में तो कृष्ण जाके पूछते हैं नंद बाबा से बाबा बाबा ये क्या हो रहा है ये सारे प्रिपरेशन किसके लिए हो रहे हैं क्या होने वाला है तो नंद बाबा बोलते हैं अरे पता नहीं लल्ला हमारा इंद्र पूजा होने वाला है साल का प्रत्येक साल जो होता है वो इंद्र पूजा होने वाला है अच्छा तो क्यों कर रहे हैं आप इंद्र पूजा तो इंद्र नंद बाबा ने सोचा कि अरे छोटा बेटा है क्या इसको इतना सारा क्यों कॉम्प्लेक्स सिटी में गुजारा जाए कि होता है हमारा कस्टम है कस्टमरी चला आ रहा है क्या करें करना है क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है ना हम तो ग्वाले हैं गाय चराते हैं और हमारी खेत है तो दोनों चीज़ के लिए हम इंद्र के ऊपर निर्भर हैं इंद्र हमें पानी देता है उससे हमारी गइयों को चारा मिलता है घास उपजते हैं और उसी से सब कुछ हो रहा है तो इसलिए हमें ये करना करना चाहिए और करते हैं तो बोला कि तो इसका मतलब क्या आप कंस को जैसे कर देते हैं वैसा ही इसको भी कर दे रहे हैं आप ड्राइव कर रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार इंद्र बहुत अच्छे हैं कंस जैसा नहीं है तो इस तरीके से समझाते हैं लल्ला तुम नहीं समझेगा बाद में समझाऊंगा <laughs> तो कृष्ण तो सब कुछ समझते हैं पहले से उन्होंने तो कहा कि हाँ आप मुझे छुपाना छुपाना चाहते हैं सब कुछ देखिए अपने दुश्मन से समझ छुपाया जा सकता है कुछ भी लेकिन अपने घर वालों से क्या छुपाना बताओ ना बाबा क्यों कर रहे हो तो फिर बताते हैं नंद बाबा कि सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है कस्टमर ही है हम तोड़ नहीं सकते तो कृष्ण बोलते हैं हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है देखिए अगर उनको पानी बरसाने का उनका ड्यूटी है तो पानी तो हर जगह बरसाते हैं वो पानी तो वो समुद्र में बरसाते हैं समुद्र में कौन उनके लिए उनके लिए ये करता है समुद्र में क्यों हो? पानी समुद्र में पानी डालने से कोई फायदा भी नहीं है तो समुद्र ही बरसाते हैं उनका ड्यूटी है पानी गिराना ठीक है तो उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है मान लिए ठीक है उसके बाद देखिए सब कुछ डिपेंडेंट है किसके ऊपर इस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर गिरिराज गोवर्धन हमें क्या क्या देते हैं देखिए हमारे घमे अपने गायों के लिए चारा देते हैं और इसके झरनों से हमारी खेती क्या इरिगेशन होता है और न जाने कितने मिनरल्स मिलते हैं यहाँ पे हमें छाया देती है यहाँ की पेड़े मधु हनी बहुत कुछ देती है तो हम तो गिरिराज गोवर्धन पे डिपेंडेंट हैं तो सब कोई मान लेते हैं बिल्कुल सही यार बिल्कुल सही बोल रहा है कृष्ण तो चालू हो जाता है फिर जितने भी पकवान जो बने होते हैं इंद्रदेव के लिए बोलते हैं सभी पकवानों को लाया जाए आज गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी गिरिराज गोवर्धन तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं निर्देश देते हैं कि गिरिराज गोवर्धन की पूजा कैसे की जाए और बोलते हैं देखिए सभी गहये जो हैं वो आगे होनी चाहिए सभी गहये आगे होनी चाहिए और ब्राह्मण वो मंत्र का पाठ करेंगे राजगोवर्धन के लिए और साथ साथ में गई आंगे होंगी और उसके बाद फिर ब्राह्मण होंगे उसके बाद आप लोग चलेंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए आप लोग ऐसे क्लॉकवाइज गिरिराज जी को राइट साइंड राइट साइड में रख के आप परिक्रमा कीजिए दिस द बेस्ट वे ऑफ वर्सिफ एंड जितने भी सारे चीज आप बनाए हैं इंद्र के लिए सब किन को दीजिए गिरिराज जी को दीजिए तो बहुत सारा बहुत सारा पकवान बनाया गया था और सब कुछ गिरिराज जी के सामने रखा गया जब से के सामने रखा गया तो गिरिराज इज तो पे क्या होता है गिरिराज जी क्या जो पूरा फॉर्म है ना हिल का फॉर्म उसमें सबों का दर, सबों को दर्शन होता है कि कृष्ण स्वयं है और गिरिराज अपने हाथों से गिरिराज के वहां पे हाथ भी आ जाते हैं और हाथों से सारे जितने भी सारे आइटम्स हैं सारे राइस दाल लड्डू बर्फी और नाना ने कितने कितने प्रकार के जो सामान सबको क्या कर लेते हैं वो खा लेते हैं प्रैक्टिकली दिख रहा होता है वहां पे सब लोग देख रहे होते हैं और खत्म हो जाता है सब कुछ उसके बाद खत्म हो जाने के बाद बोलते हैं कि और लाओ और लाओ प्लेस कॉल अनियोर विलेज स्टिल अनियोर मतलब कि और लाओ अनियोर अनियोर आनी मतलब लाओ और, और मतलब और ब्रिंग मोर ब्रिंग मोर ब्रिंग मोर फूड तो कृष्ण ही होते हैं जो कि गोवर्धन है राइट सो लॉर्ड श्री कृष्ण एंड गोवर्धन इज नॉन डिफरेंट राइट दर इज नो कंसेप्शन ऑफ उसमें विष्णु है या फिर परमात्मा है इसलिए लॉर्ड है दर इज नो कंसेप्शन एन सच कृष्णा इज गोवर्धन राइट सो इन दिस वे गोवर्धन वर्सिप स्टार्ट्स यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर जोर देते हैं कि देखिए देवी देवता जो हैं वो मेरे ही सर्वेंट्स हैं उनको वारिस कराना है इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप ब्राइव देते चले राइट और ब्राइव देना उनको जरूरी नहीं है बल्कि वर्शिप करना भक्ति करना मुझे जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी और यहाँ तक ये इंद्रराज, सॉरी देवराज इंद्र की यह क्या की कि मेरे पिताजी कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी गोरिट के पिताजी से वर्सिप ले रहा है इसकी ऐसी जरूरत तो इंद्र का अहंकार भी बढ़ चुका था उस समय तक तो उसको भी चूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं हैं उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि इंद्र गुस्सा हो जाता है और इस तरीके से पूरे पूरे वृंदावन को फ्लड में इनंडेट करने के लिए वो आतुर होता है सात दिनों तक सात रात सात दिन तक इतना बारिश होता है जैसे कि प्रलय आने वाला है तो ब्राह्मण गाय ये दो, दो प्रिंसिपल है

समिट के पीछे पीछे क्या ये इसकी बात कभी नहीं करते कि यहाँ पे गायों का इतना जो निर्मम हत्या हो रहा है इतने सारे देशों में उसको बंद किया जाए पटाखे नहीं फोड़ना है या फिर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का कटौती करना है इंडस्ट्री में ये करना है लेकिन लोगों को सब कुछ पता है कि स्लॉटर हाउस इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर

ज्ञानम, ऑफ वैदिक वैदिक नॉलेज विज्ञान गॉड देयर आर नाइन ब्राह्मण बट हार्डली पीपल आर मेड इन टू इंपॉर्टेंट नॉलेज इनटू दिस रिगार्ड और गायों की तो बात ही हटाओ तो हाउ पीपल विल बी हैप्पी जब भगवान श्री कृष्ण थे युधिष्ठिर महाराज के शासन में बताया गया है कि इतना दूध होता था कि जब गायें जब चरती थी तो उनकी स्तन के दूध से जहां पे वो चरती थी उस फील्ड को वो कीचड़ कीचड़ कर देती थी इतना दूध होता था जब होली खेलते थे तो होली कलर से नहीं खेलते थे होली किससे खेलते थे मक्खन से वन बॉल ऑफ मक्खन ओ उधर से आया वो दिस वाज होली राइट लेकिन अभी मक्खन के बदले हमें सब केमिकल्स मिलता है So pathetic situation. So, Supreme Lord wanted to establish this Parodharma that Supreme Personality of God is Sri Krishna, Govinda should be worshipped, Go, cow should be worshipped, and Brahmanas should be worshipped. Brahmana, I mean, I, I does not mean the caste to Brahmana, I mean, the, who have no other, I mean, only pe people coming from the caste and they claim themselves to be Brahmana but having no qualification of Brahmana.

गाय को रखा जाएगा गाय को आप ऐसे सहलाइए तो आप एक घंटा सहलाते हैं तो आपको एक सौ डॉलर देना पड़ेगा और उस कडलिंग से गाय को सहलाने से बहुत बड़ी बड़ी डिजीज चली जा रही है नाउ दिस इज है बिजनेस एंटरप्रिनशिप लेकिन जब हम लोग पहले से कर रहे थे ये सब तो उस समय वी आर ऑर्थोडॉक्स वी आर लेमैन वी वी आर नॉट सो मच एडवांस

नॉफ एवरीबडीज थिंकिंग ऑफ गेटिंग इन टू ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनिक फार्मिंग कीपिंग काउस लेकिन जो पहले सनातन धर्म में होता था उसको पहले से ही अब उसको उधर उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता है वट इज द ओरिजिन ओरिजिन इज वे दस ओरिजिन इज सुप्रीम पर्सनलिटी वीकृष्ण ऑफ एवरीथिंग सो थिंग इज दैट दिसर इज अ ग्रेट रिक्वायरमेंट फॉर अवेयरनेस टू क्रिएट ब्राह्मणस एंड टू प्रोटेक्ट काउस इफ दीज टू थिंग्स है Srila Prabhupada has told all the problems in the soul, all the problems in the soul of the, of the humankind. So that's very, very great lesson for all of us. Specifically, Srila Prabhupada has told us that, see, Krishna consciousness is very nice. But when the, there is wonderful ecosystem, very wonderful culture of Krishna consciousness in which Krishna consciousness could be realized and perceived, that's what we also mean. That's called Varanashram system. Uh, there, all everything is there favorable so that we could, you know, we could practice Krishna consciousness nicely. So that's very very important. So all of you are young leaders of the society. So we should think how we could educate people in this Krishna consciousness to get them trained into this at least brahminical culture. And then the 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 consciousness of the society will increase. They will come out from the dog consciousness, to the cow consciousness. And then people will be happy. Otherwise, they simply keep barking toward each other, and that's hell, the mesh. So today we saw how Supreme goddess Sri Krishna has come into this material world uh, just recently. Just recently to establish parodharma. To establish parodharma, he did this pastimes. As also yesterday, also we, we saw how Supreme God had wanted to establish that only He should be worshipped, Ananya chintayantoma So only Krishna should be worshipped, right? And He established He establishes also that all living entities are His servants, as well as we saw the spiritual identification.

So in in Vrindavan in Braj, there are three hills. One is called Nand, uh, uh, Nandishwar, who is non-different from Lord Shiva. In Barsani, there is another hill. He is non-different from Lord Brahma, and third hill is Govardhan. he is non-different from Vishnu. So Brahma Vishnu Mahes, all three are staying as hill. They are there still. Yeah, they are they are, they are seeking for the test of the lotus feet of devotees visiting in Braj. So we have, we had Opportunity to visit all these three uh, hills and we had been to the you no know, uh, to the head of Shiva and Brahmaji, right? But we are not allowed to go up in you know Govardhan on the top of the Govardhan because he is Krishna himself, he is Vishnu I and mean Vishnu Tattva. mahaprabhu also, Sri Chaitanya Mahaprabhu never went up, so we are following that same custom. So, it's a very, very wonderful today. We should pray to Giriraj Govardhan today that, oh Giriraj Govardhan, please be merciful upon us so that we could uh, advance in Krishna consciousness nicely, as well as we could be the exemplary leaders for the society, the blind, blind society in the general, so that we could educate them, you know, we could get them more and more closer to the culture of Krishna consciousness, and they could be more aware. Uh, to this principle the most important vital principles of protecting brahmanical culture and protecting cows that's very very important so cows with it's protect protected then govinda is automatically pleased yeah so chant the holy name hare krishna hare krishna 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 hare 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 ram hare ram ram ram, ram hare hare and spread the holy name thank you so much so I'll stop here. If you have any discussion, any question, query, you can ask. You can raise your hand and uh, let you know. Like who will speak first? We will see. There are some devotee like Ashish Pru has raised his hand. So Pru, I would like to give you a opportunity to please ask your question first. Then we shall proceed ahead. If you have any. Hare Krishna, Babuji. Yes, please tell. आ, जी, आपने बताया था कि जैसे, जैसे अपना आपने बोला था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड है मेटेरियल वर्ल्ड है दो दो प्रकार के वर्ल्ड है तो वहां पर भी काफी लेयर्स है तो मेरा यही सवाल था कि क्या जो लीलाएं कृष्ण जी ने की है तो वो क्या सिर्फ धरती पे मतलब पृथ्वी पर ही क्या है, फिर और कहीं और जो अदर्स प्लैनेट्स में वहां पर भी किए होंगे बट उस, उसका मेंशन नहीं है या फिर मेंशन है हम लोगों को पता नहीं यह चीज हम मुझे जानना था कि सारी लीलाएं सिर्फ पे ही किया है या फिर तो धरती पर ही क्यों किया है तो यह भी तो मेरा सवाल था अच्छा तो शायद प्रश्न सब लोगों को क्लियर हो गया होगा तो देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो गोलोक वृंदावन हमेशा चल रही देयर When Lord Sri Krishna comes from Vrindavan, it doesn't mean that Krishna is absent in Vrindavan, He is already there. So he expands himself and he, all the associates who were wanted to come, like Srimati Radharani, all the gopis, all the gopas, all those gwal all the peacocks, all the Kapkus, all those trees, all those uh, uh, rivers, everything just becomes control C. And they are there also. And they come here. And they stay here also. Right?

right so that place is also not some temporary place right they are also eternal place and lord is still doing pastimes there so there are some people in mayapur also lord chaitanya mahaprabhu is always there some some very very fortunate souls they are able to see the lord and there those, those fortunate souls are still there and we know him so yeah this is so and lord having two types of pastimes

like of course we have known his body is not like ours right he having a spiritual body he is, he is krishna himself there is nothing called krishna soul and krishna's body so he could visit according to his own will there is no different uh, spheres to cross there will be solar frail flares or so there nothing uh, actually works right

नवदीप मायपुर धाम इस महाप्रदाम अद्धापिहा नित्य लीला करे गौरराय कोनो कोनो भाग्यवान देखे बारे पाए अद्धापि स्टिल टुडे लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु गौरराय इज डूइंग पास टाइम्स इन नवदीप मायपुर बट वेरी वेरी रेयर सोल्स आर एबल टू सी देयर दोस पास टाइम्स वेरी वेरी रेयर सोल्स कोनो कोनो भाग्यवान देखि बारे पाए वेरी वेरी रेयर सोल्स आर एबल टू सी या प्रभु जी मायापुर कहाँ पर प्रेजेंट है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यस मायापुर इज देयर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ऑल्सो हेयर वेर आई एम सिटिंग एंड स्पीकिंग आउट ब्लैमरिंग सो दिस इज ऑल्सो मायापुर एंड दिस देर ऑल्सो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन गोलक वृंदावन श्वेत दीप